हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कंवर प्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम अनार की बात करेंगे, जिसको दाड़िम भी बोलते हैं। इसके सेवन से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अनार के बारे में आचार्य वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय के अंदर जो श्लोक उच्चारण किया है, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य कहते हैं, उद्रिक्त पित्त जयति त्रीन दोषान स्वादु दाढ़िम। अब इसका अर्थ है, उद्रिक्त पित्त जयति, अगर आपका पित्त ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो ये उसको भी जीत लेगा। ये बहुत ज़्यादा बढ़े हुए पित्त का भी शमन कर देगा। उसके बाद त्रीन दोषान, ये तीनों दोषों का शमन करेगा। वात, पित्त और कफ, जो आपके शरीर के तीन दोष हैं, ये तीनों को कम करेगा। स्वादु, ये मीठे रस का होता है। दाढ़िम, अनार को आचार्य ने दाढ़िम कहकर संबोधन किया है। आयुर्वेद के अंदर अनार को दाढ़िम ही लिखा गया है। उसके बाद सेकंड लाइन में आचार्य कहते हैं, पित्त विरोधी नात्यु उष्ण अम्ल वात कफा पहम। अब यहाँ पर आचार्य कहना चाह रहे हैं, पित्त विरोधी नातु उष्ण अम्ल, जो पित्त का विरोधी अम्ल रस है, खट्टा रस है, अनार खट्टा होने के बावजूद वात कफा पहम, ये वात और कफ को कम करेगा। उसके बाद आचार्य ने जो बीच में जो थर्ड लफ्ज़ इसमें लिखा है, सेकंड लाइन के अंदर ही, पित्त विरोधी नात्यु उष्ण, चाहे अनार के अंदर खट्टा रस मौजूद है जो पित्त का विरोधी है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा गर्म नहीं, नात्यु मतलब कम, उष्ण मतलब गर्म, ये कम गर्म है और खट्टा होने के बावजूद ये वात और कफ को कम करेगा। उसके बाद लास्ट लाइन में आचार्य कहते हैं, सर्व हृदयम लघु स्निग्ध ग्राही रोचन दीपनम। जितने भी तरह के अनार हैं, जितनी भी प्रकार के अनार हैं, सर्व वो सारे हृदयम हैं, आपके हृदय के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद लघु, ये पचने में बहुत हल्का है। स्निग्ध, इसकी तासीर तर है। उसके बाद ग्राही, ये वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद रोचन, ये भोजन के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएगा। दीपनम, आपकी जठर अग्नि को तीव्र करेगा। जब आपकी जठर अग्नि तीव्र होगी, आपकी भूख तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, उसको बढ़िया से चलाएगा। तो ये सब फ़ायदे थे जो आचार्य ने बताए हैं अनार के बारे में। ये खट्टा होने के बावजूद आपके पेट के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों का पित्त दोष बड़ा होता है, उनको खट्टी चीज़ें खानी मना की जाती हैं, लेकिन ऐसे लोग अनार का सेवन कर सकते हैं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा फ़ायदा ही होगा। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।